ये है कर्मेल पर्वत। यहीं पे एलिया ने जब यहोवा पिता से प्रार्थना किया था तो यहोवा पिता ने स्वर्ग से आग बरसाया था। अंदर चल करके दिखाता हूँ। चार शेकेल यहाँ का एंट्री फीस। यह है एलिया जब वो बाल के नबियों को घात किया था। ये पहला राजा 18 अध्याय में दिया हुआ है कि जेजेबेल जब और अहाब राजा के पास ओबद्याह जाता है और बाल के 450 नबी और आशेरा के 400 नबियों को इसी एग्जैक्टली इसी प्लेस पे कर्मेल पे इकट्ठा होने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद एलिया उन्हें बोलता है कि तुम दो बछड़े मंगवाओ, दो बछड़े, और उसे वेदी पर चढ़ाओ और तुम अपने देवता से प्रार्थना करो, बाल देवता से, कि वो आग बरसाए, और पहले तुम करो। तो बहुत कोशिश करते हैं पर वो सक्सेस नहीं हो पाता। फिर उसके बाद एलिया यहोवा पिता से प्रार्थना करता है, एलिया गड्ढा खुदवाता है, जो कि बाइबल में फुटनोट में दिया हुआ है कि 15 लीटर का गड्ढा रहता है, एक साआ और स्टार बने रहता है, बाइबल में दिया हुआ है। तो 15 लीटर गड्ढा उसमें पूरा में तीन तीन बार करके एलिया पानी भरवा देता है। और फिर जब एलिया यहोवा पिता से प्रार्थना करता है तो यहोवा पिता की ओर से एक आग आती है और वो आग पूरे चीजों को कंज्यूम कर देती है। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि एलिया वहां पे इसराइल के 12 संतान मतलब याकूब के 12 पुत्रों के लिए 12 पत्थर वहां पे रखवाते हैं। तो जब यहोवा पिता की ओर से आग आती है तो वो आग पूरी चीजों को कंज्यूम कर लेती, पानी, मेढ़ा, लकड़ी और यहां तक कि 12 पत्थर को यहाँ पे पूरा का पूरा को वो कंज्यूम कर लेती है। और फिर उसके बाद यही नीचे पे इस तरफ लेफ्ट साइड में अभी मैं शो करूंगा उसे किशोन की घाटी है। तो किशोन का नाला है, वो ऊपर से नीचे घाटी टाइप दिखता है। तो किशोन के नाले में बाल के जितने नबी रहते हैं उनको एलिया यहाँ पे घात कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है और गिरा देता है। तो ये है कर्मेल पर्वत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिब्लिकल साइट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, पहला राजा 18 अध्याय। ये अभी चर्च बन गया है और इसके ऊपर यहाँ पे एक वेदी थी, वेदी के ऊपर एक मेढ़ा रखा हुआ था और बाइबल बताती इसके चारों ओर पे 12 पत्थर रखे हुए थे जो याकूब के 12 पुत्रों को, इसराइल के 12 पुत्रों को दर्शाते हैं। और इसके चारों ओर में जमीन में गड्ढा खुदा हुआ था जिसको बाइबल में लिखा है साआ, साआ में आगे मात्रा आ साआ, और नीचे फुट नोट में दिया हुआ है 15 लीटर जिसमें पानी समा सके। तो यहाँ पे एलिया ने तीन बार यहाँ पे पानी भरवाया और तीनों बार पानी भरवाया मतलब कि पत्थर था, लकड़ी थी, सेक्रीफाइस था, पानी था। और जब एलिया ने प्रार्थना करी, यहाँ का जो स्काई है ये जस्ट इसके ऊपर ये बिल्कुल ओपन स्काई है, बादल इस तरफ पे है लेफ्ट में मेरे, बादल राइट में है मेरे, पर यहाँ जस्ट ऊपर में बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है। और जब प्रार्थना करी तो यहाँ पे यहोवा पिता की ओर से जजमेंट की फायर आई, पानी को, आग को, पत्थर को, सब चीज को कंज्यूम कर दी। और जो बचे हुए थे 450 बाल के नबी, एलिया ने उन सबको मार दिया, घात कर दिया और यहाँ नीचे किशोन नाले में गिरा दिया। किशोन नाले का व्यू कुछ इस प्रकार से है। अभी ये डेवलप हो गया, पुराने समय के कुछ रून्स यहाँ पे देख रहे हैं, टूटे फूटे घर। और यहाँ पे ये है वो सामने में जो पूरा इवेंट हुआ था। और वो सामने में हल्का सा जो देख रहा है घाटी,
ग्राउंड है वो वैली ऑफ जेजरील है, इज़राइल की घाटी। वहाँ से 55 किलोमीटर दूर है हर्मगिदोन, जहाँ पे फाइनल बैटल होगा। और सामने दिख रहा है हल्का हल्का पहाड़, वो माउंट टैबोर है जहाँ पे हम लोग अभी गए थे। और ये पूरा ओवरव्यू है माउंट ऑफ कर्मेल से। तो ये है माउंट कर्मेल, जहाँ पे परमेश्वर यहोवा पिता ने आग बरसाया था। और बाल के जो नबी थे, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, बाल के जो नबी थे वो मुंह के बल गिरे और उन्होंने इस बात को अंगीकार किया, कॉन्फेस किया, स्वीकार किया कि यहोवा ही परमेश्वर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने कॉन्फेस किया, उन्होंने अंगीकार किया कि यहोवा ही परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर थे, हैं और युगानुयुग रहेंगे। तो ये है माउंट ऑफ कर्मेल और पूरे इवेंट्स यहाँ पे जो हुए। चले, चले, चले।